वेलकम ऑल इन आईसीटी को फॉर यू चैनल। आप सभी का स्वागत है आईसीटी को फॉर यू चैनल में। आज स्टैंडर्ड 11 के अंदर इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इकोनॉमिक चैप्टर 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर। यू ऑल हैव नोटबुक पेन इन योर हैंड्स एंड आई होप यू ऑल स्टार्टेड योर होमवर्क। इन होमवर्क यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ one questions for each page and you have to write their answers in your notebook. Exercise question will be discussed after fifth chapter in revision round. So you have to prepare for your test also. I hope you all are subscribe this channel. Those who are still new viewers, please subscribe this channel and press the bell button. And please install ICT Eco for your app so that you can find out the test portion and you can appear in the test from this way. And if you have any query, any doubt regarding these videos or previous videos, please direct, you can contact me on 9662532418 or you can mail me sikhanaxon@gmail.com. So everyone, please take one notebook that you are starting and one pen in your hands. We are going to start after these quotes by Dr. APJ Abdul Kalam. Hame subah utke अगर पॉजिटिविटी को ध्यान में रखना है तो ये 5 थिंग्स हर रोज बोलना। हम हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलेंगे। मैं सबसे अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ, आज का दिन मेरा दिन है। ये एपीजे अब्दुल कलाम की अच्छी बातें आपके दिमाग में रखना ताकि पॉजिटिविटी सुबह से ही आपको मिलती रहे और जो फोर्थ चैप्टर उसके अंदर भी पॉजिटिवली अच्छी तरह से आप स्कोर कर पाओगे। थर्ड चैप्टर आपने देखा था, थर्ड चैप्टर के अंदर आपने जो भी लो ऑफ डिमांड, उनके फैक्टर्स, डिटरमिनेंट्स जो फैक्टर्स थे प्राइस और प्राइस के, वो भी हमने देखे थे। काफी अच्छा डिमांड का चैप्टर था, बहुत ईजी था और जो प्रिंसिपल थे उनके लो थे, वो भी आपने अच्छी तरह से पढ़े है। उन अंदर आपको बनना था कस्टमर और कस्टमर के साथ यहाँ पे डिमांड के रूल्स और रेगुलेशन दैट वी डिस्कस इन डिमांड चैप्टर। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस सप्लाई चैप्टर नंबर 4। डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर द इक्वली इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द प्राइस। इन अदर टू फुल्ली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिमांड, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। Considering the demand for various goods in the market, it becomes a function of the market to ensure the supply of these goods. Supply must be altered in the occurrence and changes in demand. Just a different demand at every price. There is also a corresponding supply to every price. यानी हम जैसे डिमांड के अंदर चैप्टर में सब कुछ पढ़ के आए हैं, वैसे ही सप्लाई के अंदर पूरे डिटेल में पढ़ना है। मगर ध्यान में रखना, इन डिमांड चैप्टर वी आर द कस्टमर, हम कस्टमर थे। अच्छा सस्ता हमारी डिमांड थी, कम प्राइस में हमें अगर मिल रहा है तो हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लो रेट पे अगर हमें मिल रहा है तो हम कम डिमांड करेंगे। यानी लो ऑफ डिमांड हमने देखा था कि व्हेन द प्राइस प्लस डिमांड माइनस, व्हेन द प्राइस माइनस डिमांड प्लस। सेम वे यहां पे हमें सोचनी है, मगर यहां पे हम क्या बनेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि यहां पे सप्लाई के अंदर हमें कस्टमर नहीं बनना है, यहां पे हमें क्या बनना है, डिमांड करने वाले कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए शॉपकीपर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, फॉर्म के ऑनर बनना है। यानी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा चेंज होगा। डिमांड के अंदर क्या हो रहा था कि प्राइस अगर कम हो रही तो हम डिमांड ज्यादा करने लगे क्योंकि मुनाफा ज्यादा है, चलो ले लो फटाफट, डिमांड प्राइस कम है। मगर यहाँ पे क्या होगा, अगर आप शॉपकीपर हो, आप ऑनर हो किसी फर्म के, प्रोड्यूसर हो आप, तो सोचोगे इफ द प्राइस इज इंक्रीज देन देर इज अ इंक्रीज इन द सप्लाई एंड इफ द प्राइस इज डिक्रीज देर इज अ डिक्रीज इन द सप्लाई। सो बिफोर स्टार्टिंग द सप्लाई वी आर गोइंग टू डिस्कस मीनिंग of the stocks and supply. In everyday language, distinctions between the supply and stock is not drawn. However, in the economics, there is a clear distinction between the stocks and supply. First of all, we have to clear about what is the differences in production, supply and stock. So first point is production. Production is the quantity of goods
created by the available factors of the production during a fixed time. Production क्या है? जो producer production करता है वो किससे करेगा? Force of factor से. Force of factor कौन कौन से? Land, labor, entrepreneur, capital, जो हमने second chapter के अंदर complete किया. तो production is the quantity of goods. वो quantity है. 5000 टन, 5000 मोबाइल बनाए, 100 मोबाइल बनाए हमने, 100 कंप्यूटर बनाए, 10,000 हमने वीट प्रोडक्शन किया. तो प्रोडक्शन इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएटेड बाय अवेलेबल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन. अवेलेबल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर कैपिटल ड्यूरिंग अ फिक्स्ड टाइम. 2020-21 के अंदर फोर्स फैक्टर लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर कैपिटल से अगर 10,000 हमने यूनिट ऑफ लैपटॉप बनाए है तो वो प्रोडक्शन है. सप्लाई. Supply is the amount of production which is the producer is able and willing to sell in the market at a given price and the given time. किसी particular time के अंदर, for example 2020 के अंदर, given price, मानो के laptop की price 40,000 है, तो 2020 के अंदर 40,000 के price के ऊपर, अगर कोई shopkeeper अपने production में से जो produce किया है, वो ready है बेचने के लिए और able है, ये दोनों के साथ वो जो भी प्रोडक्शन मार्केट में बेचेगा वो प्रोडक्शन को हम सप्लाई बोलेंगे. हियर प्रोडक्शन इज डीपर देन सप्लाई. सप्लाई दैट इज रेडीनेस, विलिंगनेस एंड गिवन टाइम एंड गिवन पॉइंट. गिवन टाइम, गिवन प्राइस, रेडी एंड विलिंगनेस, दिस ऑल फाइव पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाई. अगर ट्रेडर है हम, शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर ये सोचेगा कि 10,000 के प्राइस के अंदर अगर एक मोबाइल को हमें बेचना है तो 2020 10,000 की प्राइस, हमारे पास स्टॉक भी है, हम एबल भी है बेचने के लिए, रेडी भी है, हम इच्छा भी रखते हैं बेचने के लिए और दूसरों को बेच देते हैं, दैट इज सप्लाई. हमने 5,000 प्रोडक्शन किए हैं मोबाइल का और उनमें से हम 3,000 बेचने के लिए एबल है, 3,000 बेचने की हमारी विलिंगनेस है और पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर 5,000 के हम 3,000 बेच देते हैं प्रोडक्शन से, वो 3,000 बन गया हमारा सप्लाई. नाउ स्टॉक. स्टॉक इज टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ द गुड्स विद प्रोड्यूसर विच कैन बी ऑफर्ड फॉर अ सेल इन द मार्केट एज पर द एबिलिटी ऑफ द विलिंगनेस ऑफ द सेलर. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडर ऑफ द ऑयल इन राजकोट हैज 500 पैकेट ऑफ ऑयल. इफ ही और शी इज नॉट एबल एंड विलिंग टू सेल इन it in the market at a given price at a given point of time, then supply is zero. यहाँ पे ध्यान में रखना कि 500 एक example है oil का, मगर अगर 5,000 Samsung का हमने mobile बना दिया, 5,000 हमने laptop बना दिए, 5,000 हमने कोई भी electronic gadgets, television, refrigerator, washing machine, car, कोई भी बना दी, वो 5,000 जो है, वो 5,000 में से अगर stock is a total available amount of the goods with producer which can be offered to sell in the market as for the availability and willingness of the seller. Seller को जो producer है वो product करने के बाद, produce करने के बाद उनको बेच देगा कि 10,000 mobile है, ये लो आप अपने पास रखो, जब आपको लगे कि अच्छा time है, आपका अच्छी price आ रही है तो आप बेचना. 10,000 जो है वो stock है, stock not more than supply not more than stocks, because द स्टॉक इज अ टोटल क्वांटम ऑफ द प्रोडक्शन. यहाँ पे खास ध्यान में रखना ये बात कि 10,000 का स्टॉक हमने प्रोडक्शन कर दिया है तो प्रोडक्शन का उस ये स्टॉक बन गया हमारा. वो 10,000 में से अगर 5,000 आर रेडी फॉर द सेलिंग तो वो मार्केट के अंदर जो आया वो सप्लाई है और बाकी जो बचा दैट इज कॉल योर इन योर गोडाउन, दैट इज कैप इन योर गोडाउन, दैट इज कॉल स्टॉक, बिगिनिंग स्टॉक, एंडिंग स्टॉक. तो 10,000 बनाए, उनमें से 3,000 बेचने के लिए रखे तो 7,000 जो बाकी पड़े है दैट इज योर स्टॉक. इट इज नॉट प्रोडक्शन, इट इज नॉट सप्लाई. सो स्टॉक में बी लेस देन प्रोडक्शन और इक्वल टू प्रोडक्शन. अब बिफोर यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सप्लाई, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियर द फ्यू पॉइंट्स ऑफ दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सप्लाई हैव फर्स्ट टू विलिंगनेस टू सेल. जो ट्रेडर है, जो शॉपकीपर है, उन वो रेडी होने चाहिए पहले सेल करने के लिए. द एंटायर अमाउंट ऑफ द गुड्स अवेलेबल विच with a producer or a trader is not called supply. It is stock which will become a supply only when CRC able to willing to sell at a given price and a particular time. जिस time के अंदर जिस price से वो trader या shopkeeper बेचने के लिए ready है, वो willingness रखते हैं stock को बेचने के लिए, तो ही stock supply बनेगी. सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में ready होने चाहिए. अगर वो ऐसा सोचते कि नहीं है future में ज़्यादा क्वालिटी के प्राइस होंगे तो हम उनको गोडाउन में ही रखेंगे, इट नेवर बिकम ए सप्लाई, इट इज ऑनली स्टॉक. अगर ऐसा सोचेंगे कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तब हम मार्केट में बेचने के लिए लाएंगे तभी वो सप्लाई बनेगा, तब तक वो स्टॉक ही. यानी फर्स्ट प्री कंडीशन इज विलिंगनेस टू सेल.
Now second is ability to sell. Ability यानी ability to sell depend upon the ability availability of the stock. Stock कितने हैं उसके ऊपर है. स्टॉक अगर 1000 यूनिट पड़े हैं आपके गोडाउन के अंदर मोबाइल के या लैपटॉप के, और अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम 2000 लैपटॉप या कोई भी गोडाउन में पड़े उनमें से बेचेंगे, नॉट पॉसिबल. अगर आपके पास स्टॉक 1000 है तो 1000 ही आप मार्केट के अंदर बेच पाओगे, दैट इज योर एबिलिटी. अगर हाँ 1000 में से आप सोचे कि नहीं हम 500 ही स्टॉक को बेचना चाहते हैं, तो 500 योर एबिलिटी टू सेल. आप एबिलिटी, आपके पास एबिलिटी है, मगर आपके पास 1000 है और आप एक्सपेक्ट करके कि हम 2000, इट नॉट पॉसिबल बिकॉज योर स्टॉक इज ओनली 1000. सो एज पर द कंडीशन ऑफ द अवेलेबिलिटी स्टॉक्स इन योर गोडाउन, यू शुड डेफिनेटली डिजायर फॉर द सेम, नॉट मोर देन स्टॉक्स. यानी आपके स्टॉक गोडाउन के अंदर जितना भी स्टॉक पड़ा है उससे आप जितने एबिलिटी दिखाते हो बेचने के लिए, वो 1000 अगर स्टॉक पड़ा है गोडाउन का, 1000 से कम हो गया, 1000 भी उससे ऊपर नहीं हो सकती, दैट इज द एबिलिटी. सो हियर एबिलिटी टू सेल डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द स्टॉक्स. फॉर एग्जांपल, इफ द ट्रेडर ऑफ ऑयल डिजायर टू सेल 1000 पैकेट्स ऑफ द ऑयल व्हाइल हियर ही हैज अवेलेबल स्टॉक इज ओनली 500 पैकेट, देन एबिलिटी टू सेल इज ओनली 500 पैकेट, द सप्लाई इज ओनली एंड ओनली 500 पैकेट्स. नाउ विलिंगनेस टू सेल, besides the ability to sell, the trader should be willing to sell a good at a given price and a particular time. वो रेडी होना चाहिए कि हाँ चलो बेच देते हैं, 10,000 मोबाइल के रेट है किसी टाइम के अंदर, चलो अच्छा है हम बेच देंगे, फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो इट इज अ विलिंगनेस. सो इफ थ्री कंडीशन आर फुलफिल, फर्स्ट इज योर विलिंगनेस टू सेल, सेकंड एबिलिटी टू सेल, एंड थर्ड विलिंगनेस टू सेल. तो यहाँ पे जो तीन पॉइंट है, वो तीन पॉइंट से हमारा सप्लाई अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा. सप्लाई के लिए तीन कंडीशन काफी अच्छी है, काफी इंपॉर्टेंट है, और यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक व्हाट आर द प्री कंडीशन और व्हाट आर द बेसिक पॉइंट फॉर द सप्लाई. सो सप्लाई इज इफेक्टिंग फॉर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, देन प्राइस फैक्टर, देन टाइम फैक्टर, देन विलिंगनेस, देन एबिलिटी, देन रेडी टू सेल. दीज आर द मेन सपोर्टिंग एक्ट फॉर द सप्लाई. So here, this point is over here. Now differences between stock and supply. You are asking section C also. What is the differences between stock and supply? So here, generally the concept of the stock and supply are usually synonymously by people. But technically two concepts are there for the stocks. And basically two concepts are different. Stock is the sum total of the available amount of a good and supply is the stock which trader are able and willing to sell to previous price and the particular point of time. When the trader is not able and willing to sell the entire available stock at a given price and a given point of time, then supply will not be the same as stock. From an available of stock 500 packets, if the trader able and willing to sell 300 packet, then supply is 300 packet. Hence, the availability stock which determines the ability to sell is called stock, while the ability and willingness to sell a given price at particular point of time is the supply. So here, very, very clear point for you. What is the stocks and what is the supply? Stock is the total ability for the fulfill the demand in the market. Agar 500 ke aapke godown ke andar jo production kiya hua कॉमोडिटी आपके सप्लाई सॉरी आपके जो भी मैन्युफैक्चर किए हुए जो प्रोडक्ट आपके गोडाउन के अंदर पड़े हैं, वो आपकी एबिलिटी है कि हम 500 तक तो कोई भी मांग डिमांड करेंगे तो उसको हम फुलफिल कर देंगे, दैट इज योर स्टॉक. बट इफ यू आर डिजायर एंड विलिंग एंड एट पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर टाइम, ओनली आउट ऑफ 500 वी कैन sell 300 or we are bring 300 units in the market, then the 300 units market is known as a supply, but rest of the 200 are remaining stock, and total capacity or total ability and total strength of the selling, that is called 500 units. So very, very important aspect is here that the stock never more than supply. Stock supply se jyada ho sakta hai, but supply is never more than stocks. 500 हमने बनाए तो 500 से हम कम बेच सकते हैं, मगर 500 के ऊपर तो नहीं बना बेच सकते, तो वो सप्लाई नहीं पॉसिबल. यानी जितना भी हमारा जो जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर ही हम
स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और स्टॉक के हिसाब से हम सेलिंग करेंगे। स्टॉक अगर कम है तो हमारा सप्लाई भी कम होगा, स्टॉक ज्यादा है तो सप्लाई, अगर हम रेडी है, विलिंगनेस से हमारी एबिलिटी है तो हम पूरा स्टॉक जितना है उतना भी बेच सकते हैं या उससे कम भी बेच सकते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंसेस इन स्टॉक एंड सप्लाईज, क्लियर हियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अफेक्टिंग फैक्टर्स, जैसे डिमांड के अंदर भी अफेक्टिंग फैक्टर दो तरह के थे, प्राइस एंड देयर अदर देन प्राइस फैक्टर, अदर देन प्राइस फैक्टर एंड प्राइस फैक्टर, देयर आर टू बेसिकली कंपोनेंट्स व्हिच आर अफेक्टिंग द सप्लाई, दैट इज प्राइस ऑफ ए सप्लाई एंड फैक्टर अदर देन द प्राइस, सप्लाई अदर देन प्राइस एंड सप्लाई इज इफेक्टेड बाय द अदर देन प्राइस फैक्टर एंड प्राइस फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट डाउन इन योर नोटबुक, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आर ग्रुप अंडर टू कैटेगरीज व्हिच आर प्राइस ऑफ अ गुड एंड फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, प्राइस और प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर है वो सप्लाई को इफेक्ट करेंगे। जैसे डिमांड के चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि डिमांड भी प्राइस से फ्लक्चुएट होती है, वैसे सप्लाई भी, सप्लाई करने वाले सप्लायर को प्राइस इफेक्ट करेगी, सप्लायर यानी हमें शॉपकीपर बनना है, अगर प्राइस ज्यादा होगी तो वी आर गोइंग टू मोर सप्लाई इन द मार्केट, वाई? बिकॉज द प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस आर हायर देन लोअर, हायर प्राइस देन द कंपेयरिंग लोअर प्राइस, यानी कस्टमर क्या, सॉरी कस्टमर नहीं बोलना है यहाँ पे, हमें ट्रेडर ही बोलना है, शॉपकीपर ही बोलना है, या प्रोड्यूसर ही बोलना है, या फर्म के ऑनर ही बोलना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाना है कि हम शॉप में बैठे हैं तो ये बात सोचेंगे कि अगर प्राइस किसी भी कॉमोडिटी की ज्यादा है तो वी ब्रिंग मैक्सिमम स्टॉक्स, सॉरी मैक्सिमम सप्लाई इन द मार्केट फ्रॉम दी अवर गोडाउन, हम ऐसा ही सोचेंगे प्राइस ज्यादा है चलो मुनाफा ज्यादा है, गोडाउन में से ज्यादा क्वांटिटी को लाओ मार्केट में बेचो, अर्न कर लो प्रॉफिट, एंड रिवर्स अगर प्राइस कम है प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो इनिशियली प्रॉफिट मार्जिन अगर कम होगा तो 100% हमारे जो स्टॉक है जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर हम कम कर देंगे, चलो भाई गोडाउन में ले जाओ प्राइस कम हो रही है अभी मुनाफा नहीं है, जब प्राइस राइज होगी तो हम बेचेंगे, दिस इज द अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ प्राइस इन सप्लाई, इफ द प्राइस इज इंक्रीज सप्लाई डेफिनेटली इंक्रीज एंड इफ द प्राइस डिक्रीज सप्लाई डेफिनेटली डिक्रीज, वाई? बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शॉपकीपर, इफ एट हायर रेट ऑफ प्राइस दे कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, एट लोअर रेट ऑफ प्राइस दे कैन नॉट गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, सो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड प्राइस फैक्टर, ना अदर फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड अदर देन प्राइस फैक्टर, सिर्फ प्राइस ही इफेक्ट नहीं करेगी सप्लायर के सप्लाई को, मगर बाकी के भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, उससे भी पूरा जो मार्केट के अंदर सप्लाई है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकती है। तो फर्स्ट इफेक्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल की यहाँ पे बात आ रही है, जो प्रोडक्शन के मेन पिलर है जिससे प्रोडक्शन होता है कोई भी इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो डेवलप हो या डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप हो, तीनों कंट्री को प्रोडक्शन करने के लिए चार फैक्टर, फोर्स ऑफ फैक्टर, लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल, वो ऐसे तो आने वाले नहीं है, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वेजीज हम पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, जो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल के लास्ट कैरेक्टर के अंदर देखा था कि द रिवॉर्ड्स ऑफ दैट लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल हैव डिफरेंट, दैट इज वेजीज, इंटरेस्ट, रेंट एंड अदर, सो दीज आर द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग अवर सप्लाई ऑल्सो, इफ दे डिमांड हायर रेट, इफ दे डिमांड हायर इंटरेस्ट, इफ दे डिमांड हायर प्रॉफिट, इफ दे डिमांड हायर वेजेस, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन इज गोइंग डाउन, सो सप्लाई आर नॉट रेडी टू सप्लाई देयर गुड्स इन द मार्केट, वो सोचेगा कि लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर अगर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं हमसे तो प्रॉफिट मार्जिन जो हमारा था वो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर जो खर्च हमें हो रहा है प्रोडक्शन का खर्च वो ज्यादा से ज्यादा वो लोग ले जाएंगे और हमारे पास जो मुनाफा होना चाहिए वो प्रॉफिट मार्जिन कम नजर आएंगे, तो उससे हमारा जो कॉमोडिटी के जो प्रोडक्शन है या सप्लाई है वो कम कर देंगे, यानी इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर हायर देन सप्लाई विल बी डिक्रीज, एंड इफ दिस अपोजिट देन इट विल बी इंक्रीज। सेकंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी सेकंड पॉइंट, फर्स्ट प्राइस ऑफ फैक्टर्स कॉस्ट यानी लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल कैपिटल की डिमांड की बात होगी और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होगी, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है जिससे हमारा टाइम इफेक्ट जो है वो सेव हो रहा है, वो सभी जो टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी अगर बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी के अंदर अच्छी तरह से हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, और टेक्नोलॉजी से अगर अच्छे प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं तो 100% जो लेंथ है, जो क्वांटम है, जो प्रोडक्शन के यूनिट है वो ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे।
So if the technological invention are much better than we are method of our production are definitely changed. We can use maximum productive technical based production methods, and we can use maximum capital intensive method in our farm. So we can save our time, our capital, our valuable efforts, and we can get maximum production. यानी अगर हम प्रोडक्शन करेंगे ऐसे मॉडर्न टूल से तो हमारा ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट है वो हमारा प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाने का होगा, हमारा यूनिट बढ़ जाएगा. और इफ द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज इन द सप्लाई. व्हाई? बिकॉज एट द लोअर रेट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट वी कैन गेट मैक्सिमम मार्जिन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. सो दिस इज द सेकंड फैक्टर दैट इज price level of the technology. Now third one is called future expectation regarding price. If trader, if producer predict that in future price may be increased, if trader or if the producer predict that the price may be increased in future, what is he done in present times? तो प्रेजेंट टाइम्स के अंदर वो क्या करेंगे, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाली है ऐसा वो प्रिडिक्ट करते हैं तो फ्यूचर में वो सप्लाई कम कर देंगे. अगर आप शॉपकीपर हो तो आपको भी पता है, प्रोड्यूसर हो तो आपको भी पता है कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा मिलने वाली है तो गोडाउन के अंदर रखो, जब प्राइस बढ़ेगी तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे. सो इफ द प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन ऑफ द हायर रेट द सप्लाई विल बी डिक्रीज. इफ द प्रोडक्शन इफ द प्रिडिक्शन इज लोअर इन द फ्यूचर, प्राइस अगर कम होगी ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे तो फ्यूचर के प्राइस को डिक्रीज होते नजर आते देख के वो प्रेजेंट के अंदर ज्यादा सप्लाई कर देंगे. सो दीज आर द फ्यूचर एक्सपेक्ट. नाउ अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट रेट, रॉ मटेरियल्स, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन टैक्सीज, दिस ऑल आर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस सप्लाई फैक्टर. सप्लाई फैक्टर इज वेरी वेरी सॉरी सप्लाई इंक्रीज व्हेन देर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉर्म. अगर नंबर ऑफ फॉर्म बढ़ जाती है तो भी इनिशियली सप्लाई बढ़ेगा. If the policy is stable of the government, then it will be very easy for the interact with some of the traders. Then it will be increase the production. When industrial relationship are maintained good, हमारी मांगे पूरी करो ऐसा कोई नहीं हमने सामने होगा, और दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है अच्छा होगा तो भी हम अच्छी तरह से प्रोडक्शन करेंगे, लेबर अच्छी तरह से काम करेंगे, ऑनर को भी अच्छा लगेगा. बैंकिंग सर्विस अगर डेवलप हो रही है इंडिया के अंदर तो कैपिटल की जो ट्रांसपोर्टेशन है काफी इजी रहेगी, काफी कैपिटल से हम ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं. या फिर कोई हमें अच्छी तरह से गवर्नमेंट इंटेंसिव यानी प्रोडक्शन इंक्रीजिंग इंटेंसिव मेथड से अगर अच्छी तरह से सब्सिडी देते हैं तो अच्छी तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ने के चांसेस रहेंगे. एंड सप्लाई डिक्रीज व्हेन द अबव फैक्टर्स एक्ट अगेंस्ट सप्लाई. अगर ऊपर की जो हमने बात की अगर वो उसके अगेंस्ट जा रही है तो इट नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज सप्लाई. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन डी और सेक्शन ई. गिव द एग्जांपल सॉरी गिव द रीजन फॉर अफेक्टिंग फैक्टर्स फॉर व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई और व्हाट आर द अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सप्लाई. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज प्राइस एंड सेकंड इज अदर देन प्राइस फैक्टर. नाउ सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू एज यू नो इन डिमांड ऑल्सो हियर द स्लाइटली वर्ड इज चेंज दैट इज सप्लाई. इंडिविजुअल डिमांड इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल डिमांड हियर इंडिविजुअल सप्लाई एंड इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल मार्केट डिमांड हियर मार्केट सप्लाई. हियर वी कैन सी दिस टेबल एंड इफ यू फाइंड आउट दिस कॉन्सेप्ट इफ यू लर्न दिस टेबल very neatly then you can find out that here firm A firm B supply of different firm in kg in respectively price. Here we can find out 10 20 30 40 50. If the prices go up, if the prices increase, we can find out firm A. Here we want to predict that the supplier think about if the prices increase supplier also increase. So individual supply means individual supply of firm, individual supply of production unit, individual supply of any shopkeeper, that is the individual. So supply in economy is also classified into two way, that is individual supply and market supply. Individual supply is the supply of a goods by an individual firm or seller at given price and particular time. The sum total of the such individual are known as a market supply. Here we can see firm A, firm B. Suppose hum baat kare Reliance, hum baat kare
एलएनटी, जो अलग अलग कंपनी के अपने अपने टर्नओवर अगर हम इंडिविजुअली उनके सेल के डेटा अगर दिमाग में रहते हैं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई है। अगर हम बात करें डीमार्ट की या दिलेशंस की या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर की, तो अलग अलग उनका जो सप्लायर सप्लाई करेंगे अलग अलग इंडिविजुअली, तो वो सभी बन जाएंगे इंडिविजुअल सप्लाई। बट सम ऑफ ऑल यहाँ पे 80 प्लस 60 इक्वल टू 140, 80 180 प्लस 100 280, 240 प्लस 140 120, एंड 300 प्लस 260 560, एंड 400 प्लस 300 700। दिस ऑल आर टुगेदर सम ऑफ द इंडिविजुअल फर्म सप्लाई इज नन एज ए मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई के अंदर पर्टिकुलर टाइम के अंदर, पर्टिकुलर पीरियड के अंदर गिवन प्राइस जो है 10 20 50, उसके हिसाब से दोनों फर्म के टोटल करके जो मार्केट में जो सप्लाई है वो मार्केट सप्लाई है। दोनों फर्म के प्लस करके जो एडिशन हमें यहाँ मिल रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मिल रही है। ये जो मार्केट सप्लाई है उनसे बहुत सारा मार्केट के अंदर प्राइस के डिसीजन ले सकते हैं, सप्लाई के डिसीजन ले सकते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई से कुछ नहीं हो सकता। इंडिविजुअल सप्लाई इज ओनली फॉर इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर यूनिट। इट नॉट एनी इट विल इट कैन नॉट बी चेंज एनी टर्म्स ऑफ प्राइस इन मार्केट अवेलेबल। So these are very important, and with the help of this, we can show the diagram of individual price and individual supply and market supply here. Every time, keep in mind it on the corner of your mind. Very very important that I will repeatedly in chapter number 3 in demand. Always on X there is an independent variable like supply, demand, production. So here always. On X supply and here price, income, expenditure are always on Y. So variable that is dependent variable always on Y and independent are always on X. So here with the point of view, here there's 100, 200, 300 is a unit of form A and price of unit of form A. So here if we intersect with 100 to 10, 200 to 20, 300 to 30, 400 to 40, these are intersection and these are the point can show the form A supply cow here, same way B supply cow here, and together 200 400 together that is called market supply. This is individual supply. The slope we can see at positive manner from right left to right, and it is market supply. So this point is over here. Now very important point is there for the 2 marks in section C. See, supply function very important. This supply not down in your notebook 5 to 3 times in your notebook. You can easily get 2 marks or 1 marks from B or section. आपको 2 या 1 marks के लिए काफी important है। बार बार पूछा जाता है कि give the function of supply. So here Sx equal to F into Pxt Pf Pe and U. यानी जो factor हमने discuss कर लिए थे प्राइस के और दूसरे प्राइस रिलेटेड जो अदर देन प्राइस फैक्टर वो सभी यहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं। फर्स्ट प्राइस दैट इज कॉल्ड पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी हियर, टी दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, पी एफ फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है, फैक्टर प्राइस की जो लैंड लेबर इंटरमीडियट कैपिटल जो कैपिटल जो ज्यादा मांग रहे थे उसके बात हो रही है, और ई पी का यानी एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। अगर ज्यादा प्राइस होगी हम अभी कम कर देंगे सप्लाई, कम प्राइस होगी अभी ज्यादा कर देंगे सप्लाई, उसकी बात होगी। अदर फैक्टर गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, कैपिटल पॉलिसी, रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड अदर, सो दिस ऑल आर फैक्टर कैन चेंज द सप्लाई। द रिलेशनशिप ऑफ रीजन रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड दिस ऑल फैक्टर इज नन एज ए सप्लाई फंक्शन। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन formula between relationship of goods with other determiners it's known as a supply function. Supply function ये लिखना है, पूरा dictate करना है कि Sx क्या है, F क्या है, then you will get 1 marks. So very important and very easy. Demand function में भी हमने ये आगे बढ़ा के dx equal to f into px p pdt ये सब कुछ था, मगर यहाँ पे जो factors है वो यहाँ ऐसे कर सकता है। Now very very important for long question section E, very very important. Keep in mind that this question is very very important, not down important, you mark it important, highlight it, very very important. I repeat again for section E, the law of supply. Question is asked that write the law of supply or this
explain in detail the law of supply with the assumption schedule and diagram and explanation. Keep in mind that if in section E you have to write down assumption of the supply and diagram, schedule and explanation of this all. So first of all, law of supply is very easy for you, very easy for you. Why? Because if you know the law of demand, you can easily find out the law of supply. What in law of demand? That we discuss first, then we are going to with law of supply. So first, law of demand. What is law of demand? So law of demand, that is if other factor remain constant, P plus D minus P minus D plus. What is, if other factor remain constant, when the price is decrease, demand will be expand, and when the price is increased, demand will be contract. This is the law of supply that we represented by the Marshall. Same here, with the help of this, when other all factors if remain unchanged or assumed to be constant at price, if the price is increased, supply also expand, and when the price decrease, supply also contracts. Why? Because there are direct relationship between price and supply in demand law. We can see, we have already learned that in demand chapter, the inverse relationship between price and demand, so that 1 plus second minus 1 minus second plus 1, that is price always first. Here also price first. Effect due to price, supply are fluctuated. So price is very important. If price plus as per law of demand, I repeatedly comes go back in the third chapter, if the P is plus, D is minus, and if P is minus, D is plus. This is the law of demand. But when, if the other factor remain constant, same way, if other factor remain constant, other factor that is not in terms of price, keep in mind that if other factor, that means price of other, then level of technology, expectation of other, ye jo aap upar dekh rahe, wo sabhi other factors hai, price ko chhod ke. आपके टेक्नोलॉजी फैक्टर प्राइस, ये जो है बाकी के टी से लेके यू तक, दिस ऑल आर रिमेन अनचेंज, दिस ऑल आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट. देन एंड देन इफ द प्राइस इज इंक्रीज, सप्लाई एक्सपांड, एंड प्राइस इज डिक्रीज, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स. मींस इफ पी प्लस एस प्लस, P price, S supply, P plus S plus, P minus S minus, repeat again, P plus S plus, P minus S minus, repeat again, P plus S plus, P minus S minus. This is the law of supply, very simple way, P plus S plus, P minus S minus. What is P? Price. What is S? Supply. But when, if the other factor assumed to be unchanged or constant, if the other factors are assumed to be constant at lower price, supply context, at higher price, supply expand. Don't use increase and decrease. Why? Because there is a four differences in expansion, increment and context and decrement. So keep in mind that when you are going to write the law of supply, starting with if other factor remain constant, when the price is increased, supply also expand, and price is decreased, supply also context. So this is the way to elaborate our law of supply. Now with the help of this, what are the other factors and what are the assumption? So in section D, you have been asked in separate explain assumption of law of supply. So here 5 point is there. These 5 point are already discussed in factors other than price that we discussed. So these all are remain unchanged. That is, price of factor product remain constant, there is no change in the prevention of state of technology, then level of the competition remains same, then okay, sorry. So here assumption of the law of supply is what? Price of factor, that is land, labor, entrepreneur, capital, the force of factor hai, that remain constant. Unke jo rate hai, unke price wo same rahenge. There is no change in the technology. Technology bhi same rahegi. Jyada alag technology laake supply ko badhayenge nahi hum. Level of the competition remains the same.
अदर वर्ल्ड, नंबर ऑफ द सेलर इन द मार्केट रिमेन सेम, जो सेलर के जो नंबर है वो भी सेम रहेंगे, नो चेंज इन द नंबर ऑफ द सेलर, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस इज इग्नोर्ड, हम उनको ध्यान में नहीं रहेंगे, इट बिकम हेड कॉन्स्टेंट, एक ही रहेगी, प्राइस बढ़ेगी भी नहीं, फ्यूचर में कम भी नहीं होगी, ऐसा प्रिडिक्शन ही छोड़ देंगे हम. अदर फैक्टर लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, नेचर फैक्टर्स आर रिमेन कॉन्स्टेंट, ये सभी हम कॉन्स्टेंट रखेंगे, दैट इज द एजम्पशन टू प्रूव द लो ऑफ सप्लाई, देन एंड देन ओनली इट विल बी व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज सप्लाई एक्सपांड एंड प्राइसेस डिक्रीज सप्लाई context. So this is the assumption. Now with the help of this law, we have to make one schedule for you. So here price and supply, you can easily find out this P and this S also same as you find out in demand chapter. But here when the price is increased, you can see here 5, 6, 7, 8, 9, 0, 56, 60, 70, 90, price remaining always increasing. Price remain always increasing more. So with the help of law of supply, what here? If the prices increase, supply also expand. So here, when the prices increase, supply are also increased. At the rate of 70 rupees, 600 kilograms of apples, and if the prices decrease by 60, decrease by 50, we can see the supplier or dealer or trader or shopkeeper are not interested to supply their goods at low rate, so they can keep from the market. 600 के 400, 400 के 200 कर देंगे, अगर प्राइस कम हो रही है तो मार्केट से वो सप्लाई को अपने गोडाउन में रख देंगे. और इफ वी कैन कंपेयर दिस डेटा विथ अवर 70 रुपीज प्राइस ऑफ 80 देन 90, 70 से अगर 80 की कंपेयर करें, 70 से 90 की कंपेयर करें, तो वी कैन फाइंड आउट 600 जो हमारा एप्पल का सप्लाई था वो 800 किलोग्राम हो गया है और 1000 हो गया, यानी व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज ऑफ 70 टू 80 टू 70 टू 90 द सप्लाई ऑफ द गुड्स अप 600 टू 800, 600 टू 1000. सो दिस इज द लो ऑफ सप्लाई. आपको कोई भी डेटा लिखने है तो लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मगर प्राइस अगर बढ़ती रही है तो यूनिट ऑफ द सप्लाई आर ऑल्सो इंक्रीज, ये दोनों ध्यान में रखना है. और उसी के टेबल के साथ हम ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पे हम सप्लाई जो हमारा है वो सप्लाई का वो कैसे होगा, डायग्राम ऑफ द लो ऑफ सप्लाई कैसा होगा. तो एक्स ऑलवेज, अब मुझे बोलने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्स के ऊपर क्या हो सकते हैं, सप्लाई के यूनिट ही हो सकते हैं, और वाई के ऊपर प्राइस. अब सप्लाई 200 से 1000 है, हम देख सकते हैं यहाँ पे 200, 400, 600, 800, 1000 के मेजरमेंट कर दिए है, और यहाँ पे मिनिमम 50 से 90 थी, तो 10, 20, 100 तक हम गए हैं. अब दोनों को इंटरसेक्ट करने हैं हमें, 50, 200, तो यहाँ पे 50 और ये 200, 60 और 400 का ये पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे 60 है और यहां से अगर नीचे आए तो 400 है, राइट, ये 400 का और ये 60 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ है. देन 70 एंड 600, ये 70 का ये यहां से सी पॉइंट है 600, 80 और 800 एंड 90 एंड 1000, तो 90 एंड 1000 का हुआ. सो वी कैन फाइंड आउट दैट if the price is increasing, we can see our production unit are supply unit are very increased. सप्लायर बनना है, शॉपकीपर बनना है, दिमाग में दो तीन बार मैं बोल रहा हूँ कि शॉपकीपर बनना है हमें, ट्रेडर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, और उनकी सोच क्या हो सकती है. इफ यू कंपेयर एट दिस लेवल ऑफ 600 एट द रेट ऑफ 70 रुपीज, वी कैन सी हियर 800 1000, ये हमारा सप्लाई जो मार्केट में 800 कब हुआ, 1000 कब हुआ, जब उनकी प्राइस बढ़ी तो ये लेवल कम है उसके ऊपर ये जा रहा है, ये उसके ऊपर जा रहा है, यानी प्राइस यहाँ हम देख सकते हैं कि 60 की 70 हुई, 80 हुई, 90 हुई, तो जैसे जैसे प्राइस हमारी बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा सप्लाई भी एक्सपांड होता नजर आ रहा है. और जैसे जैसे हमारे यूनिट हम देखे 400 200 कब हुआ, जब यहाँ 70 पे से हमारे 60 और 50 की प्राइस है, यानी प्राइस जैसे जैसे कम हुई वैसे वैसे हमारा ये 600 का जो सप्लाई था वो 400 एंड 200 के ऊपर आ गया. सो वी कैन फाइंड आउट हियर ए बी सी डी ई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज द पॉजिटिव कर्व एंड इट इज रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ देयर आर डायरेक्ट बिटवीन प्राइस एंड गुड्स, प्राइस और सप्लाई के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड प्राइस एंड सप्लाई, नॉट डिमांड, इट इज सप्लाई चैप्टर. सो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज डैश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट डाउन इन योर नोटबुक, कीप इन माइंड एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माइन इन कॉमेंट बॉक्स, वॉट आर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, वॉट आर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, द आंसर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, नो एनी अदर वर्ड वी हैव टू यूज, ओनली एंड ओनली यूज डायरेक्ट रिलेशनशिप.
or this which type of stop is that? That is positive stop. Why positive? Because if the increase more price, it will be go up and up and up. Right, so it is a positive demand. के अंदर हमने देखा था पूरा कव ऐसे जा रहा था नीचे से left to right, मगर यहाँ से 1000 से लेके हम नीचे जा रहे थे demand कव के अंदर. That is negative slope of demand and that is positive slope of supply because of direct relationship between price and supply. Now relationship between price and supply, we can see that if the seller think about that, if the price is increased, then what is the reaction in their supply? 100% it is increased. Why? अगर सप्लायर ऐसा सोचेगा कि सप्लाई हमें बढ़ाना है तो एक बात को पहले ध्यान मिलेगा कि हमारी प्राइस बढ़ रही है कि नहीं. अगर प्राइस बढ़ेगी देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू राइज इज देयर सप्लाई ड्यू टू व्हाई बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट इन मार्केट. सो इफ द प्रॉफिट इज हायर देन दे कैन मैक्सिमाइज देयर सप्लाई इन द मार्केट. व्हेन द प्राइसेस राइजेस दोज प्रोड्यूसर हु वेयर नॉट विलिंग टू सेल देयर स्टॉक्स एट लोअर प्राइस स्टार्ट सेलिंग द स्टॉक्स. यानी जो प्राइस कम है उनके ऊपर कोई भी सेलर रेडी नहीं है सेल करने के लिए, तो 100% वो अपने मार्केट में से वो ले लेगा क्योंकि प्रॉफिट कम है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दैट दिस चैप्टर, चेंज इन सप्लाई. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज. कीप इन माइंड दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर इन द सप्लाई. टू टाइप्स. रिपीट अगेन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर इन द सप्लाई. देयर इज टू टाइप्स. फर्स्ट एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन and second is increase and decrease. First is expansion contraction, second is increase and decrease. Very very easy point for you for the section D, for the differences between supply and expansion contraction increase decrease. So this point is very very important for section D. There are 3 marks of that, so very very important discussion now going on here. Here if we want to totally clear concept of expansion, contraction and increase and decrease in our mind, then only and only you judge this table. You have to keep in mind these two table, very very important table. If you know this table, if you know this table, I repeat again, if you can know, you if you can understand this table, there is no one can beat you in 3 out of 3. कोई आपको रोक नहीं पाएगा 3 में से 3 लेने के लिए. तो क्या पॉइंट है, कौन से पॉइंट को हमें ध्यान में लेना है? तो सबसे पहले दोनों के बीच को आप नीली देखो, ऑब्जर्व करो दोनों टेबल के अंदर क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको. ये टेबल जो है वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का है और ये टेबल जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई का है. एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन के अंदर देख सकते हैं प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस है, यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे भी सप्लाई है. और कोई भी शेड्यूल बना दे तो प्राइस और सप्लाई का ही हो सकता है, सप्लाई के चैप्टर में दूसरा हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस 50, 60, 70, 80, 90 प्राइस रिमेन इंक्रीजिंग मोड. एंड हियर व्हाट यू फाइंड आउट, प्राइस रिमेन सेम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन जज दिस सो यू कैन गेट 3 marks इन सेक्शन डी. सो 20, 20, 20. Here point is very clear. Price remains same. Here price are fluctuated. So expansion and contraction in supply are equally in both table. 200, 400, 600, 800, 1000. Here you can find out 100, 200, 300, 400. So it is increasing. Supply of both table is find in increasing way. Here आप यहाँ भी देख सकते हो सप्लाई यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है. अगर दोनों टेबल के अंदर कौन से चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, इट प्राइस रिमेन सेम. यहाँ पे प्राइस सेम, सॉरी प्राइस यहाँ पे सेम है इस टेबल के अंदर, प्राइस रिमेन सेम. बट यू कैन फाइंड आउट इन दिस टेबल प्राइस आर नॉट रिमेन सेम. प्राइस यहाँ पे सेम नहीं है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे प्राइस सेम है, इवन द सप्लाई आर इंक्रीज. सो now with the help of this one judgment is there, contraction and expansion due to which factor? I repeat again, note down in your notebook, expansion and contraction due to which reason? What are the reason for the expansion and contraction? And second question, what are the reason for increase and decrease? If you find out this first answer, then you can get first point of the differences between increase and decrease in supply and expansion contraction in supply. So first point is expansion and contraction due to price factor. Price mein plus minus hua hai, to aap dekh sakte ho supply mein plus minus hua hai. Aur here jo expansion contraction ki baat hui wo price se hui, magar yahan pe jo increase decrease ho raha hai, hum dekh rahe supply plus minus wo due to not one factor of price factor but other than price factor. So first point for the differences between these two, that is
price factors are only and only one factor of reason of expansion and contraction of price. This is expansion and contraction due to one factor of price, but decrease and increase, increase and decrease due to other than price factor. जो price factor हमारा other than price factor थे वो it remain unchanged when we are going to discuss. When we have learned that law of supply in recent past, very very clear that if other factor remain constant, यानी बाकी के जो factor अगर same रहेंगे, unchanged रहेंगे, और अगर price कम होती है या ज्यादा होती है तो supply कम होगा या ज्यादा होगा, ये हमारा law है. तो expansion and contraction due to one factor is price, and increment and decrement due to other factor than price. Price remains same. Here price are not remains same. Second factor. Third, we can find out with the help of this data. The diagram is very clear here. At the rate of 600, at the rate of 70 rupees, our supply is 600 units. If 600 पे से अगर 800 हम देख रहे हैं, 600 पे से यहाँ पे 1000 भी देख रहे हैं, तो supplier supply कब बढ़ाएगा? Very very important. When the price is increase, अगर price increase हो रही है 70 के 80, 80 के 90, तो वो price बढ़ा देगा. तो A से लेके C point जो है, that is called expansion. So E से लेके आपको C तक का जो भी area है वो expansion का है. It is on only one, not other line are there for the expansion. Same line on the supply curve. Secondly, we can find out here on X, हमारे ये supply के unit है, 600 पे से 4 पे से 200 क्यों आ गए? Due to one factor, that is price. क्यों? Supplier shopping पर जानते हैं कि price अगर कम हो रही है तो हम हमारा supply कम ही कर देंगे. So that A to D, A to B, these are the section is known as a contraction section. यहां से यहां तक का एरिया हम देख सकते हैं कि नीचे आया, यानी contraction हुई. क्यों? Due to price. ऊपर जाए, expansion हुआ. क्यों? क्योंकि price up है. तो expansion and contraction you can find out in similar one graph, but here with the help of this, if we draw the diagram of this, price remains same. So 20 rupees is only and only same price at any level of supply. Here x ke upar hum dekh sakte hain supply ke 100 200 300 400 500 ke unit hai. To 20 se 100 kar agar 20 into 100 ye point, agar 20 se 200 ko intersection kar to ye point, 20 को 300 से हम इंटरसेक्ट कर तो ये पॉइंट, 20 को 400 से इंटरसेक्ट कर तो ये पॉइंट. यानी ये जो है वो क्लियर है, आपको पता चल गया कि 20 तो लेवल का एक ही लेवल के ऊपर हम काम कर रहे हैं. तो इंक्रीज एंड डिक्रीज आर ड्यू टू अदर फैक्टर्स. अब हम कंपेयर करेंगे यहां से जो हमारे 300 है वो 400 कब हुए, 500 कब होते हैं. तो 300 में से हमारे सप्लायर जो है वो सप्लाई 400 कब करेंगे? एक्चुअली प्राइस अगर बढ़ेगी तो ही शॉपकीपर सोचेंगे चलो हम सप्लाई ज्यादा करें मार्केट में और मुनाफा ज्यादा लें. 400 पे से 500 हुए तो भी एक ही पॉइंट दिमाग में होगा कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो, मगर यहाँ पे हम चेक कर तो प्राइस तो सेम ही है, तो भी हमारे 400 पे से 500 क्यों चले गए? हमारे यूनिट जो गोडाउन में थे वो हमने ज्यादा क्यों कर दिए? सो दिस आंसर इज व्हेन अदर फैक्टर आर नॉट रिमेन अनचेंज. बाकी के फैक्टर जो है, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस जो भी हो, अगर मार्केट के अंदर फ्यूचर में अगर प्राइस कम होगी तो हम अभी ज्यादा सप्लाई कर देंगे. तो अदर देन प्राइस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज. सप्लायर बढ़ जाते हैं, फॉर्म बढ़ गए, सप्लाई बढ़ गए तो भी 20 के हिसाब से प्राइस है तो भी हमारे यहाँ जो सप्लाई है वो 400 टू 500 नजर आएंगे. गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लो रही हो रही है, टेक्नोलॉजिकल हम इवेंट कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेबर को कम करके टेक्नोलॉजी को ज्यादा करें तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो भी हमें 20 रुपीज पे ज्यादा मुनाफा नजर आएगा और हम 500 तक जा पाएंगे. तो इट नॉट मैटर ऑफ प्राइस बट इट मैटर ऑफ अदर फैक्टर. सेम वे इफ वी कंपेयर विद अवर 200 यूनिट ऑफ गुड्स, 300 पे से 200 कब आ सकते हैं? जब अगर प्राइस कम होती है तो ही हम यानी प्रोड्यूसर शॉपकीपर सोचेंगे कि चलो मुनाफा कम है, यूनिट कम कर दो, मार्केट में से गोडाउन में डालो. मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 300 पे से 200 आए, 200 पे से 100 आए तो भी मार्केट में प्राइस तो डाउन नहीं है, तो भी हमने क्यों ये किया? ड्यू टू अदर फैक्टर देन द प्राइस. प्राइस के अलावा जो फैक्टर है, हमारी सोच ऐसी हो सकती है कि मार्केट में शायद फ्यूचर में ज्यादा प्राइस मिलने वाले है तो हम क्या कर देंगे, हमारे गोडाउन के अंदर बाकी के स्टॉक को प्रिजर्व कर देंगे कि फ्यूचर में मुनाफा ले. तो दिस आर द डिफरेंसेस. First point of this difference is due to price factor, due to other factor. Second, this is the schedule for you. Schedule is very clear. You have to draw schedule. And third is your
diagram. And fourth is, you can find out the expansion contraction line on the same supply curve. But here, from the main supply curve, we can find out shifted right side, the increase line of the supply. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो राइट साइड है, यानी मेन जो हमारी एसएस है S1 उससे राइट साइड हम शिफ्ट करेंगे तो 300 पे से 600 हो गए. तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ ये पॉइंट से हमने जो ये दूसरी कर्व हमने जो खींचा वो हमारा इंक्रीमेंट है. सो इंक्रीमेंट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लाइन ऑफ शिफ्ट टू राइट साइड ऑफ दिस एंड राइट साइड ऑफ द मेन सप्लाई कर्व एंड द डिक्रीज इज लेफ्ट फ्रॉम द मेन सप्लाई कर्व. So there are different lines we can find out in increase and decrease, and that's the same line we can find out of expansion and contraction. So I hope this question you can understand very well. Now with the help of this, we are discuss about exceptions to the rule of supply. Exceptions हमने market के sorry demand के chapter में भी देखे थे. तो यहाँ पे भी exceptions है rule of supply के. यानी what is the meaning of exception to the rule of supply? Exception is to the rule of supply arise when the if totally work as a opposite than the low. अगर low के अंदर हमने बताया कि price बढ़ी, supply बढ़ा, price कम हुई, supply कम हुई, तो price अगर कम होती है तो supply कम होना चाहिए, मगर यहाँ पे price कम होगी तो भी supply बढ़ेगा, या price ज्यादा होगी तो भी supply कम होगा. So these are the totally inverse relationship in against the relationship of direct, that all the known as exception to the law of supply. So exception to the law of supply arise when the supply of the goods rise when its price fall, and supply falls when rise in price when other factors are held unchanged. Other factor unchanged होगे और price कम होगी तो supply कम होना चाहिए, मगर यहाँ पे exception में क्या होगा, reverse होगा, उल्टी गंगा बहेगी. यहाँ पे price कम supply ज्यादा, price ज्यादा supply कम. So what are the factors? Very very important for section C. What are the exception to the law of supply? So first rare goods and second perishable goods. Rare goods means what? That is ancient coins, ancient idols, original manuscripts, old book, ancient handicraft book. ये सभी के price, ये सभी के stock limited है. अगर price कम होगी, sorry price ज्यादा होगी तो भी उनके stock के अंदर हम सप्लाई बढ़ा नहीं सकेंगे. Why? Because it is rare goods. We are not able to recreate it. So these are the exceptions. Second, perishable goods. Goods like milk, milk product goods, grain, vegetables, metal, egg, fish, ripe fruits. These all are the quality of perishable. So it cannot be stored as long time. So even their prices fall, their supply will be not context. Price कम हो रही है, चलो उनको store कर दो अच्छे से, तो टमाटर सड़ जाएंगे हमारे. बराबर है, उनकी वैल्यू जो है वो भी नहीं आएगी. तो प्राइस कम होगी तो भी हमें सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा ऐसी कॉमोडिटी को. तो यहाँ पे प्राइस कम है और सप्लाई ज्यादा है. दीस आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्राइस डिटरमिनेशन इन द मार्केट. वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. व्हाई? बिकॉज इन दिस डायग्राम इफ यू कीप इन माइंड दिस शेड्यूल, then you can easily draw this diagram and you can easily understand how to demand, how to price are determinants. So as per Marshall point of view, that price never be ruled in the market as per the seller desire or as per the customer desire. Hum aisa sochenge ki agar 1 liter petrol 2020 ke year ke andar 90 rupees ke kareeb kareeb per liter mil raha hai, aur agar hum aisa soche ki wo 40 mein hum maange customer, अगर 40 रुपीस पर लीटर मांगेंगे तो क्या सप्लायर आपको देगा? और अगर सप्लायर ऐसा सोचे कि हम 300 पर लीटर करते तो आप उनको 300 देंगे? सो इन अ मार्केट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर. सच अ प्राइस प्रिविलेज इन द मार्केट एंड इंडिविजुअल सेलर टेक द प्राइस एज अ सिग्नल टू डिटरमिनेंस द प्राइस ऑफ देयर इंडिविजुअल. यहाँ पे एक बात हो रही है कि अकॉर्डिंग टू द मार्शल, सेकंड पैरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू मार्शल द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर कॉल्ड इज इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट एंड एंटायर प्रोसेस ऑफ इनविजिबल. द टू कर्व्स ऑफ द टू कर्व्स फ्रॉम द क्रॉस एज शोन एज फिगर बिलो. इन दिस फिगर वी कैन सी और हाउ टू प्राइस डिटरमिनेंट.
आपके प्राइस टेक्स्ट बुक की आप देखो तो 30 रुपीज 40 रुपीज है, डाइजेस्ट लेने जाते हो तो 150 रुपीज है, ये कैसे डिसाइड होती है? पेन लेने जाओ 2 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, तो हाउ इट डिसाइड, प्राइस कैसे डिसाइड होगी? फर्स्ट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट द लो ऑफ डिमांड एंड लो ऑफ सप्लाई। लो ऑफ डिमांड क्या है? सबसे पहले यहाँ पे तीन कॉलम है, पी डी और एस। डी यानी ये डिमांड है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी डेट इज डिमांड है, ध्यान में रखना। ये सेकंड पिलर डिमांड का है, थर्ड पिलर हमारा सप्लाई का, और ये पी का है। पी एस सॉरी पी डी और एस, पी डी और एस, डिमांड सप्लाई और प्राइस तो होती है। तो प्राइस अगर ज्यादा हो रही है तो डिमांड पे कौन सी इफेक्ट होगी? ऐसे कंज्यूमर हम क्या सोचेंगे, प्राइस अगर ज्यादा हो रही है तो हम हमारी डिमांड कम करते जाएंगे। तो ये टेबल के ऊपर दो कॉलम आपके दिमाग में सेट होने चाहिए कि व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजिंग वी कैन फाइंड आउट द डिमांड इज डिक्रीजिंग। 10, 20, 30, 40, 50 डिमांड, 1000, 800, 600, 400, 200, सो देर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सेम वे व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज 10, 20, 30, 40, 50 वी कैन फाइंड आउट इन डिक्रीज इन सप्लाई, नो, व्हाई? बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर। यहाँ सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर के, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इफ द प्राइस इज इंक्रीज, अगर प्राइस बढ़ रही है तो मुनाफा ज्यादा है, चलो अच्छी तरह से कमा लो, मार्केट अप हो रहा है, मार्केट में ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो सप्लायर ज्यादा से ज्यादा अपने यूनिट को मार्केट में बेच रहा है, तो 200, 400, 600, 800, 1000। ये टेबल के अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों के हमने पॉइंट कवर कर दिए है, यानी दोनों के बीच के जो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको नजर आ रहे हैं। अब दोनों के अंदर प्राइस कैसे डिटरमिनेंट हो रही है वो हम देखते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई आर टूगेदर, दे कैन कट द ऑल नेसेसरी अननेसेसरी प्राइस इन द मार्केट। जो सप्लायर है, मानो के सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचे कि 30 से 40, 30 से 50, यानी 30 से 40 और 50 प्राइस बढ़ी तो क्या होगा? चलो चलो अच्छा है, मार्केट अच्छा है, चलो सप्लाई ज्यादा करो, गोडाउन में से जा लाओ, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 600 के 800 और 800 के 1000, यहाँ पे हमने 100% हमारा जो सप्लाई वो इंक्रीज हुआ नजर आ रहा है आपको, बराबर के प्राइस ज्यादा है, सप्लायर ज्यादा सोचेगा मुनाफा ज्यादा, चलो ज्यादा हम मार्केट में, गोडाउन में से निकालो माल और मार्केट में लाओ। ये हवा हुआ हमारा सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर हम क्या सोचेंगे, हम यानी कस्टमर क्या करेंगे? प्राइस बढ़े तो हम डिमांड करेंगे, चाहे वो सामने 800 लाके खड़े, हमारी सप्लाई कितनी है 400 की, उन्होंने 50 रुपीज को ज्यादा मुनाफा है तो उन्होंने 1000 सप्लाई मार्केट में कर दिए, तो क्या हमने डिमांड की? नहीं, हमारी डिमांड 200 हो गई। तो यहाँ सप्लायर का मुनाफा है मगर पूरे एक्सप्लॉय हो रहे हैं डिमांड करने वाले। ऊपर की हम कंपेरिजन करें, प्राइस 20-10 कम हो रही है, तो अगर डिमांड सॉरी प्राइस अगर कम हो रही है 30 के 20, 20 के 10, तो कस्टमर क्या सोचेंगे? चलो मुनाफा हमारा है, हम ज्यादा डिमांड करें 800, 1000 यूनिट की, मगर क्या सप्लायर छोड़ देगा मार्केट में? शॉपकीपर छोड़ेगा? देखो सप्लायर ने 400 और 200 ही सप्लाई छोड़े है। तो यहाँ पे जब सेटिस्फेक्शन कस्टमर का नहीं है या सेलर का नहीं है तो प्राइस बनेगी नहीं अच्छी से। तो प्राइस बनने के लिए दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए, एट अ पॉइंट एट विच द इक्विलिब्रियम पॉइंट आर देयर विद सेटलमेंट ऑफ टू पार्टी, सेलर एंड ट्रेडर आर रेडी टू एंड विलिंग टू सेल देयर गुड्स एंड परचेस देयर गुड्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज। वी कैन फाइंड आउट 600 यूनिट्स ऑफ डिमांड एंड 600 यूनिट्स ऑफ सप्लाई एट द रेट ऑफ 30 रुपीज। तो यहाँ पे हम डिमांड से और सप्लाई से दोनों के साथ जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हो एक्स के ऊपर डिमांड और सप्लाई दोनों है, एक्स के ऊपर डिमांड और सप्लाई दोनों है कॉमोडिटी के, और वाई के ऊपर तो प्राइस ही है। सबसे पहले देखे तो 200 से लेके 1000 तक का हमारा टोटल यूनिट है, डिमांड सप्लाई दोनों मिला के, तो 200, 400, 600, 800, 1000 हो गए यहाँ पे। अब प्राइस 10 to 50 है, वाई पे ऑलवेज प्राइस होती है 10, 20, 30, 40, 50 की। अब सबसे पहले ये पूरा वन टू फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को हमें इंटरसेक्ट करके डिमांड को ड्रॉ कर देना है, 10, 1000, 2800, 10, 1000, यहाँ पे ये पॉइंट, 2800 थर्ड पॉइंट, 3400, 600 थर्ड पॉइंट, देन 40 जो है वो 400 फोर्थ पॉइंट, एंड लास्ट में ये 50, 200, बराबर।
तो जैसे जैसे हम सिर्फ पहले यही ड्रॉ करेंगे, ये जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नेगेटिव स्लोप, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, और जैसे जैसे प्राइस ज्यादा हो रही है हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। प्राइस बढ़ेगी, कस्टमर आर नॉट रेडी टू बाई कॉमोडिटी, वो लेस डिमांड करेंगे क्योंकि प्राइस ज्यादा है, मुनाफा कम है। अब सेम वे हमें ये ध्यान में रखना है, यहाँ से प्राइस लेंगे, यहाँ से हम सप्लाई लेंगे, प्राइस हम आगे बढ़ाते जाएंगे और सप्लाई भी आगे बढ़ाते जाएंगे और दोनों को इंटरसेक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें, ये जो एस एस लिखे उसके ऊपर हमें जाना है, यहाँ से यहाँ तक को कैसे जाएंगे इंटरसेक्ट करते हुए, 10 200 यानी 10 और 200 का ये पॉइंट, 10 20 400 और 20 और 2 400 का पॉइंट, ये 20 और 400 का पॉइंट, देन 30 एंड 600 का पॉइंट, देन 40 एंड 500 का पॉइंट, सॉरी 800 का पॉइंट, एंड देन 50 एंड 1000 का पॉइंट। ये यानी ये जो ए बी सी डी ई, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जो हमारा पॉजिटिव स्लोप जा रहा है वो हमारा एस एस है, यानी एक के ऊपर ही एक, यहाँ से लेफ्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप एंड लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव स्लोप, और बीच में ये जो इंटरसेक्शन हुआ, ये तीनों को साथ में हम ध्यान में लेंगे। ई पॉइंट के ऊपर ये यहाँ से यहाँ तक जब आ रही थी हमारी डिमांड, प्राइस कम हो रही थी तो हम डिमांड बढ़ा रहे थे, और यहाँ से यहाँ प्राइस ज्यादा हो रही थी तो सप्लाई बढ़ा रहा था यहाँ पे। तो ये जो ई पॉइंट है, इसको इक्विलिब्रियम प्राइस, ये प्राइस के ऊपर ट्रेडर और सेलर 30 रुपीज के ऊपर दोनों एग्री है, ये जो प्राइस बनेगी वो हमारी डिटरमिनेशन प्राइस बनेगी। इफ प्राइस इज राइजेस बाय द 40 रुपीज, वी कैन फाइंड आउट, अगर प्राइस अगर ज्यादा हो रही है तो हम डिमांड कम कर देंगे, सप्लाई ज्यादा है यहाँ पे 40 के ऊपर, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हम कंपेयर करें, ये डिमांड की हमारी लाइन है, कस्टमर प्राइस बढ़ी हमने डिमांड कम कर दी ऐसे, और जो सेलर है 30 के 40 हुए उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी, मगर ये गैप हो गया दोनों के बीच का, ये गैप और बढ़ गया, हम रेडी नहीं है 50 के ऊपर लेने के लिए, मगर वो 50 के ऊपर वो 1000 यूनिट देने के लिए रेडी है, या ये गैप बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम प्राइस को कम करते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड प्राइस ज्यादा हो रही है वैसे सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो एट दी पॉइंट ऑफ ई, यहाँ पे हम कंपेयर करें तो ई पॉइंट से दोनों के अच्छी तरह से मुनाफा भी मिल रहा है, रीजनेबल उनको प्रॉफिट भी है, कस्टमर को भी ज्यादा नहीं देना पड़ रहा है, तो दिस इज द प्राइस डिटरमिनेशन पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज ओवर हियर, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, यू कैन फाइंड आउट दिस एक्सरसाइज, बट आई रिपीटेडली इंस्ट्रक्ट यू, डोंट राइट लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चन इन योर नोटबुक, ओनली यू हैव टू फाइंड आउट इन ईच पेज, ओनली वन सेंटेंस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम योर सेल्फ एंड राइट डाउन इट्स आंसर, एंड When the fifth chapter is over, we are going to take your revision round. And in revision round, we are taking some long and essay type question are also there, how to write, how you have to prepare this all. So I am thank you to all. This is glossary for you that we already discussed. Thank you all for watching till the end. For the fifth chapter, keep watching. I say Rico for you. Those who are new viewers, please, please, please subscribe this channel and press bell button so that you can find out easily notification from your mobile or your laptop or desktop. And if you have any query regarding this, you have to direct contact me on 9662532418. And I have doubt solving, I will try my best to solve your doubt. And also, if you are not satisfied with this, you can also comment me, and you can also like and share to your friends. Don't any give unnecessary comment in the group. Also, I am thankful to all, and I hope you can enjoy this session and keep watching for the fifth chapter. Thank you for the day. Good luck.